बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप में से जो लोग क्लास में आए हैं, मोहम्मद जैन साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? काइंडली ऑन योर माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास में आ चुके हैं, तकरीबन 6 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको खुश आमदीद कहते हैं इस लेक्चर में। बाकी जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी काइंडली, जो बाकी लोग रह गए हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि लेक्चर टाइम शुरू हो चुका है, ताकि आपका लेक्चर शुरू किया जा सके। तो आज बीबीए वालों के साथ मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर, और अब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में हैं। एम आई राइट? यू आर बीबीए फोर्थ सेमेस्टर। अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो काइंडली कोई एक स्टूडेंट अपना माइक ऑन करे और मुझे बता दें कि आप मुझे सुन सकते हैं। ये कि मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, तो डू इन्फॉर्म मी। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, कोई इशू नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए, मैं अपना आज का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। बाकी जो लोग मिसिंग है उनको आप मैसेज कर दीजिए कि लेक्चर हैज स्टार्टेड। बिजनेस कम्युनिकेशन का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम कम्युनिकेशन को, बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज होती है। आप देखेंगे कि चंद एक लेक्चर्स में कुछ मवाद वो है जो हम पिछले सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल टॉपिक वही है कम्युनिकेशन का, तो उस हिसाब से मवाद भी वही होगा। इसमें आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि आप रिपीट कर लेंगे इसे, कुछ चीजें जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई आप उन्हें रिपीट कर लेंगे, वो सॉरी जो चीज आपने नहीं पढ़ी थी वो आप पढ़ लेंगे, जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन हो जाएगी, उसको आप रिपीट कर लेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी।
लिहाजा ये हर किस ना ख्याल कीजिएगा कि जनाब ये चीजें तो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, हम तो बोर हो रहे हैं, हम क्यों पढ़ें इसको। आप एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को जितनी मरतबा पढ़ेंगे उतनी मरतबा वो आप पे ज्यादा और ज्यादा वाजे होता चला जाएगा। तो कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन। इसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोल्ड कर रहा हूं ताकि आप इसे इजीली देख सकें। ओके, फर्स्ट कम्युनिकेशन डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन अबाउट कम्युनिकेशन The term communication is derived from the Latin word communis, that means common. जब आप communication का जिक्र करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले, और मजे की बात यह है कि और कोई पूछे ना पूछे, मैंने जरूर पूछना है, जब पेपर मैंने आपका मिड टर्म का पेपर तैयार करना है तो मैं ये पूछा करता हूँ कि define communication, what is communication? Short questions में ये शामिल होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो कम्युनिकेशन लातिनी जुबान के लफ्ज कम्युनिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन, एक आम चीज। इसकी दूसरी डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस कम्युनिकेशन एज एन एक्शन ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज। ये कुछ जदीद डेफिनेशन है। जब हम ग्रीक्स की बात करते हैं, लैटिन की बात करते हैं, तो ये बीसी बिफोर क्राइस्ट के जमाने की बात है, यानी आज से कोई 2500 साल पहले कम्युनिकेशन को इस तरह से डिफाइन किया था। और कुछ जदीद बात कर ले तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि जनाब कम्युनिकेशन क्या है, वो तो एक एक्ट है, एक एक्शन, एक अमल है, मालूमात का तबादला करने का, अपनी बात दूसरे शख्स को बताओ, दूसरे शख्स की बात खुद सुनो, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है। तीसरी एक बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, हाफ लाइन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मैसेजेस इवोक रिस्पॉन्स। आसान भी है और बामायनी भी है कि कम्युनिकेशन क्या है, कि जब आप एक मैसेज देते हो एंड यू रिसीव रिस्पॉन्स रिजल्ट, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। अगर आपने किसी को कोई मैसेज दिया, अपनी बात आगे पहुंचाई और आपको उसका रिटर्न नहीं मिलता, तो कम्युनिकेशन नहीं हुई, कम्युनिकेशन फेल हो गई है। कम्युनिकेशन उसी सूरत में होती है कि जब आप एक बात करते हैं, उस बात का जवाब भी आपको मिलता है, रिटर्न मिलता है, तो फिर कम्युनिकेशन होती है। तो ये कुल मिलाकर पांच डेफिनेशन है, जो कि सारी मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा, पहली तीन डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इसमें से कोई एक डेफिनेशन जो आपके ख्याल में आसान है, आसानी से याद हो सकती है, उसको आप कैच करो, उसको पढ़ो, याद रखो, ये पेपर में आपके काम आने वाली चीज है। बाकी की दो आप स्किप कर सकते हैं, तीन भी छोड़ सकते हैं, अपनी आसानी के लिए कोई सी दो डेफिनेशंस याद रखिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशंस इसलिए भी आपके लिए जरूरी है कि जब आप अपना ये सारा तालीम का सिलसिला कंप्लीट करके या तालीमी सिलसिले के दौरान ही कहीं मुलाजमत के लिए जाते हैं, वहां एक इंटरव्यू होता है। आपने चूंकि बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा है, आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू में बॉस आपसे सवाल कर लेता है कि वेल जेंटलमैन, वुड यू लाइक टू डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो वहां आपको दो लफज, दो लाइनों की ये डेफिनेशन आनी चाहिए। बेशक अल्फाज ये ना हो, आप लफ्ज बदल दें, बट योर आंसर शुड बी सेटिस्फैक्टरी एंड मीनिंगफुल। आपका जवाब बामायनी होना चाहिए, सुनने वाले को समझ आए कि हाँ वाकई इस शख्स ने पढ़ रखा है, ये किसी अच्छे इदारे से तालीम हासिल करके आया है, कुछ अच्छे उस्ताद साहिबान ने इसको पढ़ाया है, ये अहमियत है। और थोड़ी सी बात आपके फायदे के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं यूं भी बयान कर दूं कि जब आप कहीं किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो बाज़ औक़ात आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए एकदम से एक सवाल कर दिया जाता है, जो कि मैं कई एक इंटरव्यूज फेस कर चुका हूं। हर शख्स की अपनी मेंटेलिटी होती है,
कुछ लोग आपको वेलकम करते हैं, सीट पेश करते हैं, आपका हाल अहवाल पूछते हैं ताकि यू फील रिलैक्स्ड, आप जरा पुरसकून रिलैक्स महसूस करें, और फिर वो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। कुछ लोग महज आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने की गर्ज से आते ही आपसे सवाल पूछ देते हैं। अभी आप सीट पर बैठ रहे हैं, पूरी तरह से बैठे भी नहीं हैं, पूछा जाता है कि सर प्लीज डिफाइन दिस और दैट, प्लीज डिफाइन एबीसी टर्म, वो फलां फलां चीज की इसकी डेफिनेशन दीजिए। तो ऐसे में डेफिनेटली इंटरव्यू देने वाला यानी आप जैसे एक शख्स कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन उनका ये मकसद हरगिज नहीं होता कि आपको आपकी इंसल्ट की जाए, आपको रुसवा किया जाए। मकसद ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाए, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड अप करने में, बढ़ाने में बड़ी मदद देती है। तो डेफिनेशंस की अहमियत यहीं तक थी, क्या अहमियत थी मैं खुलासा कर देता हूँ। एक चीज ये कि पेपर में आपके काम आती है, एमसीक्यूज में, शॉर्ट आंसर्स में आपके काम आती है, और मैं जब पेपर बनाया करता हूँ तो मैं तो डेफिनेशंस जरूर पूछा करता हूँ। आप एक सेमेस्टर में सब पढ़ चुके हैं, आपको इस चीज का अंदाजा होगा, बल्कि शायद एक नहीं दो सेमेस्टर्स आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, ये आपका थर्ड सेमेस्टर है मेरे साथ। दूसरी अहमियत पेपर के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में ये है कि इंटरव्यूज में आपके काम आती है, और फिर अगर कहीं आपको पढ़ाना पड़ जाए, एज ए टीचर अगर आपको पढ़ाना पड़ता है, तो वहां भी ये चीज आपके काम आएगी। एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू टीच, आप क्या पढ़ाने लगे हैं, इसका उतार चढ़ाव क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक, तो ये कुछ एक अहमियत है। इन सारी चीजों को निगाह में रखते हुए, नजर में रखते हुए, आपको इन चीजों को अहमियत देनी चाहिए कि ये चीजें आपको पेपर में काम देती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में काम देती हैं। अगर आपको टीचर बन के पढ़ाना पड़ जाए, वहां आपको काम देंगे। अगर आप ये चीजें बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको पता चलता है कि यू हैव नॉलेज, कि आपके पास इलम था। लेकिन अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आ जाती है, आप अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी जेनेसिस ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ, सादा आसान लफ्जों में हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं भाई, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का आगाज इस दुनिया में कब हुआ था, हु स्टार्टेड कम्युनिकेशन एंड हाउ कम्युनिकेशन वॉज स्टार्टेड। जहां तक इसके आगाज की बात है, तो ये बड़ी आम सी बात है कि हर जिंदा जानवर कम्युनिकेशन करता है। इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, हर मखलूक अपने अपने अंदाज में कम्युनिकेशन करती है। हम इंसानों पर रब की खास रहमत ये है कि हम वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमें रब ने बोलने की सलाहियत अदा की है। वी स्पीक, वी कैन स्पीक, अदर्स कैन नॉट स्पीक। बाकी जो मखलूक है वो बोल नहीं सकती, लेकिन इंसान के पास रब की तरफ से ये सलाहियत है कि ह्यूमन बींग्स कैन स्पीक। तो अगर ये पूछा जाए कि कम्युनिकेशन का आगाज कब से हुआ, तो जब से इंसान, बल्कि जिंदा मखलूकात इस दुनिया में मौजूद हैं, तब से कम्युनिकेशन हो रही है। और तारीख में देखा जाए कि प्रोफेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन कब शुरू हुई, तो उससे मुतलिक हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट सेड दैट द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फाउंड इन एंशिएंट ग्रीक, रोमन एंड चाइनीज कल्चर। कदीम रोम वाले, यूनान वाले और चाइनीज कल्चर के लोगों ने, चाइनीज ने जमाना कबलस तारीख में, बिफोर क्राइस्ट के जमाने में, 2500-3000 साल पहले कम्युनिकेशन को अपना लिया था अपनी गवर्नमेंट सिस्टम में, अपनी कॉमर्स में, अपनी पॉलिटिक्स में, उनने कम्युनिकेशन को अपना लिया था।
ग्रीक्स यूनान वाले बड़े अच्छे मुकर्रर हुआ करते थे, बड़े अच्छे तकरीर करना वो जानते थे, डेमोक्रेसी का आगाज भी उन्होंने ही किया था, रोमन्स इनके पड़ोस में थे। खित्ते को अगर दुनिया के नक्शे में देखा जाए तो ग्रीक्स एंड रोमन्स एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क है। इस तरह से चाइनीज के कल्चर में भी कम्युनिकेशन थी, और ये कम्युनिकेशन गवर्नमेंट लेवल पर हुआ करती थी, अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान राबते के लिए बाकायदा कम्युनिकेशन थी। एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू कम्युनिकेशन। इट वॉज नेसेसरी टू कम्युनिकेट वेल वाइल डीलिंग विद मैटर्स इन गवर्नमेंट असेंबलीज एंड लॉ सूट्स। तो अहले यूनान में हकूमती सतह पर और अदालतों में कानूनी सतह पर कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस बना रखा था, एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म बना रखा था। और ये एक सवाल बनता है आपकी आसानी के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सुनने वालों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए पेपर और पढ़ाई बड़ी आसान कर दूं। ये सवाल बन सकता है कि इन विच सिविलाइजेशन द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फाउंड, किस तहजीब में कम्युनिकेशन की जड़ें पाई जाती हैं। तो हमने ग्रीक्स का जिक्र पढ़ा है, रोमन्स का जिक्र पढ़ा है, चाइनीज कल्चर का जिक्र पढ़ा है। ये सवाल है जो कि आपको फायदा देंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, इनको नोट कर लेंगे, आपका पेपर आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही बातें पेपर में दिया करता हूँ। और जो कुछ मैं पढ़ाता जाता हूँ, मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को बताता जाता हूँ कि जनाब ये पॉइंट अहम है, इस तरह का पॉइंट में पेपर में फिट किया करता हूँ, इसको नोट कर लो, इसको याद रख लो। और हकीकत है कि फिर यही बातें मैं पेपर में दिया भी करता हूँ। तो आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, इस सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप इसी फर्स्ट लेक्चर में आप इस चीज पर गौर कर लें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रहा हूँ। इट इज ऑल्सो सेड दैट कम्युनिकेशन principles were originated in China to communicate within the vast bureaucracy as well as between the government and the people. Chinese ka zikr hai janab, ahle China ne communication ka mechanism banaya, uski kya reason thi? Hum jante hain ki China ek bahut badi abadi wala mulk hai, maazi mein bhi aisa hi tha. Governments, bureaucracy, jinko hum civil servants kehte hain, sarkari afsaran और आम आवाम के दरमियान राबता होना चाहिए था, उन्होंने महसूस किया। They realized that there was a need of communication between common people and the government. लिहाजा उन्होंने एक बाकायदा महकमा बनाया होगा कम्युनिकेशन के लिए, जो आवाम से उनके मसाइल, उनकी प्रॉब्लम्स को रिसीव करता है और फिर हुकामे बाला तक, अफसरान तक पहुंचाता है, उन लोगों तक जिनके पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अथॉरिटी होती है। अब मसलन पेपर में मैं ये सवाल बना सकता हूं एमसीक्यूज में, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में, कि कम्युनिकेशन प्रिंसिपल वर ऑर्गेनाइज्ड, हु ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एट गवर्नमेंट लेवल, हुकूमती सतह पर कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स किन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे, वो चाइनीज थे, ठीक। अगला पॉइंट, अगला पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है कि वी आर कम्युनिकेटिंग, व्हाई डू वी कम्युनिकेट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम जो काम कर रहे हैं इसकी अहमियत क्या है, व्हाई डू वी डू दैट। सादा आसान लफ्जों में इस बात को हम यूं बयान करेंगे कि हर इंसान की जिंदगी में कम्युनिकेशन की अहमियत होती है। अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाकर अपनी बात उनसे मनवा सकते हैं। अगर आप बिजनेस फील्ड में हैं, आप अपने कस्टमर को, ग्राहक को कायल कर सकते हैं कि जनाब जो मैं कहता हूं वो सही है, सो यू शुड परचेज व्हाट आई एम सेलिंग, कि जो मैं बेच रहा हूं उसको आप खरीदें। क्यों खरीदें भाई? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन आपके ग्राहक के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है,
आप अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं, उसको मनवाने का तरीका आपको आता है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप अपने फॉलोअर्स को कायल कर सकते हैं अपने एजेंडा पर कि जो मैं कहता हूं, जो मेरी सोच है वो सही है, इसको मान लो। इस कम्युनिकेशन की बिना पर माजी में हिटलर जैसे लोगों ने बड़ा फायदा उठाया था। अब हम इसको पढ़कर देखते हैं कि जनाब इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे लिए क्या है, क्योंकि मैंने जो कुछ एक्सप्लेन किया वो आम जिंदगी से था। कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, शायद आपको याद आ जाए, पिछले पेपर्स में ये फिक्रा आपके ऑब्जेक्टिव में आया था। कम्युनिकेशन इज डैश फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस तरह के जो इब्तदाई पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेशंस, पैराग्राफ का पहला फिक्रा, वहां से मैं पॉइंट्स कैच किया करता हूं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो मेरी बात को सुनते जाएं तवज्जो से, आप बड़ी आसानी से अपना पेपर तैयार कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट की तरफ आते हैं जी। कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब तक मैंने जो बात बयान की वो जनरल भी थी, वो स्पेसिफिक भी थी कि आम जिंदगी में आप कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव करते हैं तो आप अपनी बात मनवा लेंगे। स्पेसिफिक क्या है, पॉलिटिशियन का हवाला दिया मैंने, एक बिजनेसमैन का रेफरेंस दिया मैंने कि एक बिजनेसमैन के लिए कम्युनिकेशन अहम हो सकती है। अब चूंकि हम आपको कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें आम जिंदगी से हटकर कमर्शियल लाइफ का जिक्र करना है। तो कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन रूह रवा, लाइफ ब्लड जिसको मैंने लिखा है, लाइव वायर की हैसियत रखती है। जिस इदारे में कम्युनिकेशन नहीं है वो इदारा फ्लॉप है। वो कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है। नो ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड कैन सर्वाइव विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉलोइंग पॉइंट्स विल इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कहा गया जी कोई भी इदारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बगैर कैनॉट सर्वाइव। इसकी मिसाल किसी आम ऑफिस से ले लेते हैं। एक दफ्तर है जहां 10 अफराद मुलाजमत करते हैं, एक शख्स को छुट्टी पे जाना है। अगर अफसर और मातहत के दरमियान इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, जी स्टूडेंट्स, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो क्लास में मौजूद हैं, अगर आपकी जीआर साहिबा या आपके सीआर साहब इस लेक्चर में मौजूद हैं तो काइंडली अपनी इस लेक्चर की अटेंडेंस की एक स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें, मुझे अपने ग्रुप में शेयर करनी है। इस वक्त मुझे स्क्रीन पर 13 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। एक मैं हूँ, एक बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में से है और पीछे 13 स्टूडेंट्स रह जाते हैं, और 14 रह गए हैं। तो काइंडली इससे पहले कि स्टूडेंट्स ड्रॉप होना शुरू हो, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आपने ग्रुप में शेयर कर देना है। मैं अपनी बात को जारी रख रहा हूं। तो कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन रूह रवां की हैसियत रखती है। मिसाल में दे रहा था कि छोटे लेवल का दफ्तर है जहां 10 अफराद मुलाजमत करते हैं, बॉस और मातहत इदारे के दरमियान या सुपरवाइजर एंड वर्कर के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन है। छुट्टी करने वाला वर्कर मैसेज देता है कि सर आज मुझे जरूरी काम है, मैं ऑफिस नहीं आ रहा। सुबह 7:30 बजे ये मैसेज डिलीवर कर दिया गया, ऑफिस टाइमिंग 9 बजे की है। अगर वो मैसेज सुपरवाइजर तक पहुंचता है और सुपरवाइजर एक फर्ज शनास बंदा है तो वो इस बंदे की कमी पूरी करने के लिए खुद जल्दी वक्त से पहले दफ्तर पहुंच जाता है, ये किसी दूसरे को ड्यूटी लगा देता है कि जनाब आपने मिस्टर एक्स वाई जी के हिस्से का काम आज करना होगा क्योंकि वो साहब आज छुट्टी पे है। और अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, छुट्टी करने वाला बंदा मैसेज ही नहीं देता, या फिर सुपरवाइजर साहब उस मैसेज को पढ़ना ही पसंद नहीं करते, तो क्या करेंगे? कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। एक बंदा जो आज छुट्टी पे है, उसके टेबल पर कोई एक फाइल पड़ी थी जिसमें ऑर्डर लिखा हुआ था कि फलां फलां ग्राहक ने ऑर्डर प्लेस करवाया है, आज की तारीख में हमें एबीसी प्रोडक्ट इतनी मिकदार में उस बंदे तक पहुंचानी है। वो ग्राहक इंतजार करता रहेगा, उसका ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा, बदमस्ती होगी, बहुत मुमकिन है कि आप अपने ग्राहक गंवा दें। तो ये क्या है जी, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये एक मिसाल है आपको समझाने के लिए।
अब फॉलोइंग पॉइंट्स विल इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जो मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, याद रहे कि ये आपका एक बाकायदा टॉपिक है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर आप इस चीज पर गौर करते हैं, इसको तवज्जो से सुनते हैं, तो आप अपना एक पूरा टॉपिक तैयार कर रहे हैं, और अगर आप इसको तवज्जो से नहीं सुनते तो डेफिनेटली आप अपना नुकसान करेंगे। जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो पहले नंबर पे स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस आ जाता है। वो पहले वाली बात है जिसको मैंने अभी बयान किया कि अगर एक वर्कर और सुपरवाइजर के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात से मुराद क्या है कि उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है और वक्त पैगाम पहुंचता है, तो ये उनके लिए, उनके कारोबार के फ्लो के लिए बड़ा अच्छा होगा। स्मूथ फ्लो को हम पढ़ के देते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीप्स द बिजनेस रनिंग, अ मैनेजर लिंक्स अप वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी टू अचीव हिज टारगेट। A manager links up various departments of company to achieve his targets. When he receives correct information at right time, he saves his company from loss and keeps the business running. इसमें स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट है, वो मैं आज के मुआशरे के हालात से आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। आप खबरें सुनते हैं, आप देखते हैं कि कोरोना से मुतल्लिक खबरनामा भरा होता है। अगर 15 मिनट की न्यूज है तो उसमें पहले 10 मिनट मुसलसल कोरोना से मुतल्लिक बताया जाता है। सपोज एक फैक्ट्री मालिक है जिसने कुछ रॉ मटेरियल मंगवाया था कराची से, बहरी जहाज कराची की बंदरगाह पर आकर लगता है, सामान माल उतारा जाता है, उस जहाज में कुछ रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्रियलिस्ट का भी था जिसकी सनत गुजरावाला रोड पे, उसकी एक इंडस्ट्री है, उसे बर वक्त इतला मिल गई कि जनाब ट्रांसपोर्ट बंद होने लगी है कोरोना की बिना पर। Sir, I love you. अब अगले आने वाले दिनों में ना तो ट्रेन्स चलेंगी ना ही ट्रक्स वगैरह चलेंगे, ट्रांसपोर्ट बैन होने लगी है, ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगने लगी है, तो आप तक रॉ मटेरियल नहीं पहुंच सकेगा। अगर ये खबर सही वक्त पर पहुंच गई तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करता है कि जनाब हमारा रॉ मटेरियल रुक गया है, आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो सकेगा, इंतजार कीजिए। फ्लो ऑफ बिजनेस स्मूथ हो जाता है, कस्टमर तक रिपोर्ट पहुंच गई। अगर कम्युनिकेशन नहीं थी तो कस्टमर इंतजार में रहेगा कि जनाब आज के दिन में मेरी फिनिश्ड प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच गई थी और इंडस्ट्रियलिस्ट ने अभी तक मुझे मेरी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं की, बिजनेस खराब हो सकता है। ये एग्जाम्पल है किस चीज की, स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस की ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा जी, उसके बाद हेल्प इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसी भी इदारे में बहुत अहम होती है। जिस इदारे में मैनेजमेंट अच्छी नहीं है उस इदारे में वर्कर्स की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स व्हिच अकर ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी इदारों में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो क्या होगा कि फ्लो ऑफ बिजनेस खराब हो जाएगा। इट आल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनेबल्स द मैनेजर हैंडल इंडिविजुअल एज वेल एज पार्टी मैटर्स। अगर विद इन द डिपार्टमेंट
विद इन अ कंपनी, अगर एक इदारे के अंदर कम्युनिकेशन अच्छी है तो सुपरवाइजर साहब अपने नीचे वाले तबके से अच्छे अंदाज से काम करवा सकेंगे, और अगर सुपरवाइजर एंड लोअर डिपार्टमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो फिर फ्लो ऑफ बिजनेस में खराबी आ जाती है। इसकी मिसाल वही पहले वाली है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको मिसाल पेश की कि अगर एक वर्कर छुट्टी करना चाहता है और वो अपने सुपरवाइजर को बता देता है, इन टाइम इतला दे देता है, तो उसके हिस्से का काम कोई और शख्स करेगा और इस तरह से कारोबार के फ्लो में खराबी नहीं आएगी। लेकिन अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो कारोबार का फ्लो रुक जाएगा। क्विक डिसीजन, द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दैट इट हेल्प्स इन मेकिंग क्विक डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैनेजर रिसीव्स करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एक्सपेक्टेड डिजास्टर, स्ट्राइक और राइज इन प्राइसेस, ही कॉल्स अ मीटिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड टेक अ क्विक डिसीजन टू सेव द कंपनी फ्रॉम लॉस। क्विक डिसीजन मेकिंग में भी कम्युनिकेशन बड़ी अहम होती है, और इसकी मिसाल मैं ऑलरेडी आपको पेश कर चुका हूँ जिसका जिक्र यहाँ पर है। यहाँ पर स्ट्राइक्स का जिक्र हुआ है, प्राइस राइज का जिक्र हुआ है। मिसाल यही है कि एक शख्स ने, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने रॉ मटेरियल कराची से मंगवाना था, उसने प्रोडक्ट तैयार करना थी, प्रोडक्ट तैयार करके अपने कस्टमर को डिलीवरी देना थी, लेकिन अगर सही वक्त पर इंफॉर्मेशन आ गई तो एक तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्विक डिसीजन लेता है कि अच्छा ठीक है, या तो मुझे प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए, या फिर ये है कि अगर मुझे रॉ मटेरियल कराची से नहीं मिल सकता तो मुझे याद पड़ता है कि मेरे इस शहर गुजरावाला में वो फला बंदा है, उसके पास स्टॉक है, मैं उससे भी तो राबता कर सकता हूँ। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि एक शख्स है, एक फ्लोर मिल मालिक है, आटे की मिल का मालिक है, वो गंदम परचेज करता है, आटा बनाकर मार्केट में डिलीवर करता है। उसको एक रिपोर्ट मिली कि जनाब इस बार गंदम की एक बड़ी मिकदार स्मगल होने लगी है, मुल्क में गंदम की किल्लत हो जाएगी, कीमतें बढ़ जानी है। ही टेक्स अ क्विक डिसीजन, वो फौरी फैसला करता है कि इससे पहले के इस कमोडिटी को स्मगल किया जाए, ही इज गोइंग टू परचेज एज मच एज ही नीड्स, एंड ही परचेसेस दैट वेरी अमाउंट। वो अपने हिस्से की अमाउंट परचेज करता है, उसे अपने स्टोर में जखीरा कर देता है, और इस तरह से वो प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाता है। आगे आने वाले 20 दिनों में, एक महीने में, जो रॉ मटेरियल, जो गंदम उसको महंगे दामों मिलनी थी, वो उसने क्विक डिसीजन की बिना पर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बिना पर नॉर्मल रेट्स पर परचेज कर ली। तो सिमिलरली ही कैन मेक द कंपनी अर्न प्रॉफिट थ्रू एंड इन टाइम डिसीजन, एंड इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस तरह से उसने क्या किया कि उसने अपनी कंपनी को मुनाफा दिलवाया क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव थी, सही वक्त पर पैगाम उस तक पहुंचा, और उसने इस पैगाम को रिसीव करने के बाद फौरी फैसला किया, वो फैसला किया जो कि कंपनी के हक में था। और डिसीजन मेकिंग से मुतल्लिक अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि ही इन्फॉर्म्स द स्टेक होल्डर्स। जब फैसला किया जाता है तो कंपनी के लेवल पर एक बंदा फैसला नहीं कर रहा, वहां मैनेजर एंड डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको शामिल किया जाता है इस फैसले में, और इस तरह से क्विक डिसीजंस के जरिए से कंपनी को एक ह्यूज लॉस से बचाया जा सकता है, उसको मुनाफा भी दिलवाया जा सकता है। अगला पॉइंट जी, वैल्यूएबल जॉब रिक्वायरमेंट। कम्युनिकेशन एक बड़ी अहम जॉब रिक्वायरमेंट है। वो लोग जो कि अच्छी कम्युनिकेशन करना जानते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वो ना सिर्फ मुलाजमत हासिल करते हैं बल्कि दे मेक प्रोग्रेस, वो तरक्की भी करते हैं अपनी प्रोग्रेस में। वैल्यूएबल जॉब रिक्वायरमेंट क्या है जी, इफ योर जॉब रिक्वायर्स मेंटल लेबर, द कंसिस्टेंसी ऑफ योर जॉब डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली।
कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर एक रिसेप्शनिस्ट है जिसको हम फ्रंट डेस्क ऑफिसर भी कहते हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर भी होता है, उनका काम पब्लिक डीलिंग है। आप किसी इदारे में जाते हैं, आप याद कीजिए कि जब आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, जब आप यूनिवर्सिटी गेट से एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, तो रिसेप्शन पर जहां आजकल आप फी सबमिट करवाते हैं, वहां एक रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर आपको वेलकम किया होगा, आपको प्रोस्पेक्टस दाखिला फॉर्म दिया होगा। वो रिसेप्शनिस्ट हैं, वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, कम्युनिकेशन। अगर ऐसा एक शख्स अपने कस्टमर से, आने वाले से अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करता है, उसको अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है और बताता है कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ लेन देन करते हैं तो आपको फलां फलां फायदे होंगे, ये बेनिफिट्स हम ऑफर करते हैं, तो इट मींस ही इज कम्युनिकेटिंग वेल, वो अच्छी कम्युनिकेशन कर रहा है एंड ही इज अर्निंग प्रॉफिट फॉर हिज कंपनी, अपनी कंपनी के लिए मुनाफा कमा रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो ही विल बी फायर्ड ऑफ हिज जॉब, उसको उसकी मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा कि नहीं जनाब, आप तो एडमिशन ही कैच नहीं कर सके, 100 बंदे इंक्वायरी के लिए आए थे, सिर्फ 20 एडमिशंस हुए, इट मींस कि यू आर नॉट इफेक्टिव, यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब। तो जनाब ये आपके लिए भी फायदेमंद है, लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप लोगों को सीखनी है, क्योंकि आने वाले जमाने में आप ही लोगों ने कम्युनिकेशन करना है। ओके, द वे यू कम्युनिकेट योर नॉलेज, आइडिया, सजेशंस एंड प्रपोजल्स टू द पीपल हु नीड देम काउंट्स अ लॉट। यानी अपने आइडियाज को, अपने सजेशंस को आप दूसरे बंदे तक कैसे पहुंचाते हैं, ये बड़ा अहम है। आप अपनी बात, अपना आइडिया अपने ऑफिसर तक, अपने बॉस तक पहुंचाते हैं, वो आपकी बात से कायल हो जाता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, उसमें बेनिफिट होता है, फायदा होता है, आपकी गुडविल बनती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर फाउंड इन द जॉब डिस्क्रिप्शंस लिस्टेड बाय न्यूमरस लीडिंग बिजनेस फर्म्स। और कुछ एक जो बिजनेस फर्म्स हैं, वो जब अखबार में इश्तहार देती है हायरिंग के लिए, तुम्हें मुलाजमीन दरकार है, तो वहां पर वाज़े तौर पर लिखा होता है, कैंडिडेट्स विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गुड स्पीकिंग स्किल विल बी प्रेफर्ड। वो लोग जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उन्हें प्रेफर किया जाएगा। अगर आप अखबार पढ़ते हो, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मशवरा दूंगा कि चूंकि अब आपका 6th सेमेस्टर है, वक्त थोड़ा रह गया है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल फील्ड में आना है, तो मुनासिब है कि आप लोग अखबार पढ़ा करें, देखें कि वहां पर जो जॉब एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, मुख्तलिफ इदारे हायरिंग के लिए जब एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उनकी वर्डिंग क्या होती है, उनकी डिमांड्स क्या होती हैं, ये चीजें आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगी। जब आप उन जॉब एडवर्टीजमेंट्स को पढ़ते हैं तो आप अपने आप से पूछते हैं कि जनाब क्या मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, क्या मेरे पास ये स्टैंडर्ड है, क्या मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, एम आई अ गुड इंग्लिश स्पीकर, एम आई अ गुड कम्युनिकेटर, क्या मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, क्या मैं अच्छा इंग्लिश स्पीकर हूँ, ये चीजें आपको मुस्तकबिल के लिए तैयार करेंगी। तो मैं मशवरा दूंगा कि रेगुलरली अखबार देखा करें, उसमें जॉब एप्लीकेशन को पढ़ा करें कि किस तरह की जॉब एप्लीकेशन आती है, किस किस तरह की डिमांड की जाती है, और क्या आप मुस्तकबिल में उन डिमांड्स को पूरा करने के काबिल होंगे। अच्छा जी, एसेंशियल फॉर प्रमोशन, ये पैराग्राफ ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है कि अगर एज अ वर्कर आप गुड कम्युनिकेटर हैं तो डेफिनेटली यू विल मेक प्रोग्रेस, और अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन द प्राइवेट सेक्टर। भाई प्राइवेट सेक्टर में तो वही बंदा सर्वाइव करता है जो गुड कम्युनिकेटर है। इसकी मिसाल एक बार फिर से, आपकी यूनिवर्सिटी है, एक टीचर वहां पढ़ाने जाता है, इफ ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, अगर वो बात कन्वे करने का फन जानता है, तो पहले सेमेस्टर में अगर उसको दो सब्जेक्ट दिए गए पढ़ाने के लिए कि जनाब आपने ये दो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, वीकली बेसिस पर आपने 4 लेक्चर डिलीवर करने हैं, तो क्या होगा कि पहला सेमेस्टर गुजरने के दौरान उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया जाएगा कि हाउ डस मिस्टर एक्स वाई जी टीच,
वो बंदा कैसा पढ़ाता है, अगर उससे मुतल्लिक रिपोर्ट अच्छी होगी और ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उस टीचर को, उस प्रोफेसर को फिर से कॉल किया जाएगा, उससे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, उसको दो की बजाय चार सब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे, उसकी लेक्चर्स की तादाद बढ़ा दी जाएगी. यानी ही इज मेकिंग प्रोग्रेस. एंड इफ ही इज नॉट, आमिर कल भी मुझे लिंक सेंड कर देना. एंड इफ ही इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, और अगर वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है तो क्या होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको इन्वाइट नहीं किया जाएगा. ये चीज आप पे अप्लाई करती है. आप लोग मुस्तकबिल करीब में जॉब्स होल्डर होंगे, आप किसी मकाम पर होंगे, और वहां अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो यू विल बी किक्ड आउट, धक्के देकर निकाला जाएगा आप लोगों को.